बताने अमल करेंगे तो पहली बात पर आ जाओ, आज से मांगेंगे, किससे मांगेंगे, जिसका डर हमारे दिलों में होगा इंशाल्लाह, अल्लाह का डर आ जाए। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा, ए मेरा बंदा, मैं तेरी मदद करने पे आ जाऊँ, इसी में ताकत से ही तेरे ऊपर आग उठा कर देती। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा, मैं तुझे जलील करने पर आ जाऊँ, इसी में ताकत में तुझको इज्जत देकर बता दे। अल्लाह जलील करने वाला भी है, अल्लाह इज्जत देने वाला भी है, अल्लाह सब करने वाले, तो अल्लाह पर भरोसा करो कि नहीं कोई नहीं देख रहा, तो क्या वो मेरा रब देख रहे, मेरा खालिक देख रहा है, मेरा मालिक देख रहा है। अब गुनाह को छोड़ दो, गुनाह की तरफ ना जाओ, ये हालात जो आए हमारे गुनाह की नौसत आए, कल हमने नमाजें छोड़ी ये उस गुनाह की नौसत से आजाब आया, कल कुरान की तिलावत ना करी ये उस गुनाह की नौसत से आजाब आया। अल्लाह की कसम जमीन का तेवर बदलना, आसमान से भी मौसम बारिश आना, सब जाहिर हो रहे कि अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। अल्लाह कैसे राजी होगा, आज हम मोबाइल देखेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, आज हम गुनाह करेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, नमाज को छोड़ेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। आज लोग पूछते ये रमजान का वजीफा क्या है, ये रमजान का वजीफा क्या है, तो रमजान का वजीफा कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत। अरे कुरान को आज हमने अपने घर की अलमारी में रख दिया है, कुरान को खोलो, शायद उसकी एक रुको हमारे लिए मफरत के लिए खड़ी हो जाए, और कुरान कल हमारे लिए हक में गवाही दे। और जो कि कुरान को जुदा में भांग के रख देते का कयामत के लिए ये भी बोलेगा, अल्लाह इसके घर में कुरान था, मुझको पढ़ता नहीं था, मुझको देखता नहीं था, मुझको सुनता नहीं था। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया कि इल्मों का हासिल करना हर मर्दों, हर बच्चे, हर औरतों, हर बच्चियों का फर्ज है। इल्म का हासिल करना हर मर्द, हर बच्चे, हर बच्चियों पर फर्ज है। तो इल्म हासिल करो, इल्म सीखोगे तो इल्म दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, मैं आपको सिर्फ ये न समझना कि यहाँ पर झूठ बात करने आया था, क्या ये मत समझना कि पैसे छीनने आया था, पैसे लेने आया था। अल्लाह की कसम ये जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज अल्लाह हमसे जो नाराज हो या ना हमारे गुनाह की नुसरत है, तो अपने गुनाहों का इजहार अल्लाह के सामने रखो कि अल्लाह बहुत गुनाह करते। अरे दोनों हाथ उठा कर कहो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह तौबा कबूल कर ले, इंसान की दुनिया भी बन जाएगी, इंसान की आखिरत भी बन जाएगी। इंसान सोचता है कि ऐसा अमल करने लगूं, ऐसा अमल करने लगूं।